हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शाह एंड वेलकम। सो आज हम लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं दिस मैन, क्योंकि ये जाने वाले हैं तो इनको मेरे हाथ का चिकन खाना है। मेरे हाथ का चिकन खाना है इसको, तो मैं आज बना रही हूँ चिकन। एंड देखो आप, ये प्याज इसने कट कर रहे हैं। शक्ल नहीं दिखाते, अपनी शक्ल दिखाओ अपनी। माई जनता वॉन्ट्स टू सी योर फेस। थोड़ा शर्माता है ये यार, इन्नी शक्ल दिखाता आपने। चाय बना दोगे आप अंकु? बना देंगे मैं। ये बर्तन भी धुलना प्लीज, ये वाला। उसके बाद मैं बना लूंगी, मुझे इस पे चिकन बनाना है। ठीक है, देखो अभी प्याज काट रहा है। इसको बहुत शर्म आती है गाइस, बहुत ज्यादा शर्म आती है इसको। तो मैं आज उठी हुई हूँ और मैंने अपने फेस पे ना क्रीम, मतलब दवाई लगा रखी है। एंड मैंने फेस भी वॉश नहीं किया क्योंकि मुझे अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं। और ये आ गया सुबह सुबह चिकन लेके, किसको चिकन खाना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके लिए चिकन बनाएंगे। मन्नतें पूरी करनी चाहिए, है ना। क्या Yes, she was lying on bed और आप आ गए अपना मनहूस चेहरा लेकर। ये अंकु, ये डालो, ये डस्टबिन में डालो ना, ये सब डस्टबिन में डालो। चाय बनाओ और इसको धुल दो बस, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ अपना। तब तक मैं रेस्ट करूँगी। मैं रेस्ट करूँगी तब तक। बहुत ठंड, पता मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा बिस्तर से उठने का, मुझे इतनी ठंड लगती है। पूरी रात में ना ये हीटर जला के रखती हूँ, पता नहीं कितना बिल आने वाला है अब तो। भगवान ही मालिक है। बन गई चाय। हेलो, क्या है, शक्ल क्यों छुपानी पड़ रही है? थैंक यू सो मच। तो ये बनी है चाय मेरे लिए। एक्चुअली मैं मोस्टली ना शूट पर रहती हूँ और एक दो दिन ही होते हैं जब मुझे रेस्ट होता है, तो उस पर मैं कपड़े धुलती हूँ। जैसे आज मैंने कपड़े धुले तो अंकित आता है मिलने एंड मेरी सेवा करता है। मम्मी बहुत डिसेंट है। आपकी चाय कहाँ है? वो नहीं पीता, मैं पीती हूँ बस। तो मुझे मिली है बैटरी और मैं अभी अपनी टी इंजॉय करूँगी। अंकित ने प्याज काट दिए हैं। अंकु कढ़ाई धुलो। अरे जिसमें मैंने मैगी भी बनाई थी। नहीं, धुलो उसको। अच्छी चाय बनाई है। इसको पता है कि मुझे मीठा कम चाहिए होता है चाय पर, इसने बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाय बनाई है। थैंक यू सो मच अंकू। ओके, सो अभी हम लोग चाय पियेंगे, देन आई विल डू द कुकिंग। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अंकों के लिए चिकन कैसे बनाती हूँ। ठीक है, टिल देन बाय गाइस। अंकित बोलता है कि ऐसे वीडियो मत बनाया कर, मेरी मम्मी देखेगी तो कहेगी घर पे कुछ काम नहीं करता है। और बुआरी के और बुआरी के साथ सब काम कर रहा है, बर्तन भी धुल रहा है, झाड़ू भी। झाड़ू से याद आया, झाड़ू मारना प्लीज अंकु। अंकु प्लीज, मैं खाना बना रही हूँ ना। डालूंगी मैं। झाड़ू बस। झाड़ू तो बेटा इसको मारना ही पड़ेगा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मारता। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो लगते हैं हम अपने काम पर, बनाते हैं खाना। तो दिस इज द कढ़ाई। अंकु तेल का बॉटल कहाँ है? कल लाई थी मैं। क्यों
What? अभी 24 घंटे आपके लिए चल रहा है खाना, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और अंकित अंदर गेम खेल रहा है, पबजी एंड कुछ तो खेल रहा है फ्री में. कौन सा गेम खेल रहा? कॉल ऑफ ड्यूटी. आप लोग बोलते थे ना कि दीदी जीजू क्या करते हैं, जीजू कुछ नहीं करते, जीजू बस गेम खेलते हैं, नल्ला है ये, कुछ नहीं करता. ये बस दिन भर घर पे रहते हैं और गेम खेलते हैं, कुछ नहीं करते हैं. सारा काम क्या करते हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी चिकन. ठीक है, टमाटर हम काटेंगे चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो मैंने हर चीज़ का पैकेट रखा रहता ताकि मुझे बार बार ही आना ना पड़े ना मेरे लिए. हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट. बस इनफ है क्योंकि हमने ज़्यादा चिकन नहीं मंगाया है. अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर मैंने काटे हैं इस तरीके से, मैं इस तरीके से ही टमाटर काट के इसमें. सो मेरे प्यारे दोस्तों, आई हैव मेड द स्टार्टर. बाकी मैंने ग्रेवी बनाने के लिए रखे हैं थोड़े से चिकन. अभी मैं ये देखे आती हूँ. Hey guys, उठो खाएंगे. पानी लेके चल जाती हूँ एंड लाइट्स ऑफ कर लेती हूँ. कलेजी थोड़ा ना वो हो गई मेज़्ड अप, गल गई पूरी. क्यों स्पून क्यों? पहले मैं चखती हूँ. अंकित को ना एक कलेजी बहुत पसंद है ना, हार्ड नहीं हुई. चिकन में देखो ना सॉफ्ट सॉफ्ट से है. पर मुझे से कच्चा कच्चा वाला फील आ रहा, तुम्हें नहीं आ रहा? नहीं, मैं ओवर टेस्ट खा चुका हूं. तुमने सारे हड्डी वाले पीस पर से निकाल दिए. हे गाइस, तो खाना तैयार हो चुका है एंड हम लोग खाएंगे एकदम देसी स्टाइल में खाना, जमीन में बैठकर और सारी कढ़ाइयाँ वहीं ले जाकर, क्योंकि मैं ऐसे बार बार ही अंदर बाहर नहीं कर सकती. सॉरी. तो हम लोग ने यहीं पर ला दिया है प्लेट. अबे मैं अपना ही लेकर अंकित का कौन लाया? तो यार अंकित तो इसी में खा लेगा प्लेट पर ही. इसने बोला, खुद ही बोला था इसने कि मैं इस पर खाऊंगा. आपका प्लेट, हमको पानी लेके आ जाओ. एंड मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, तो हम लोग हीटर भी जलाएंगे, हीटर के सामने खाएंगे हम खाना. और बस मम्मी चाहिए, पानी चाहिए, बस कलछी चाहिए चावल निकालने के लिए. ओ हीटर जलाएंगे. वैसे तो सनरेज आ रही है, धूप आ रही है वैसे तो रूम पे आप लोग देख सकते हो, बट पता नहीं मुझे ये धूप. सो गाइस,
अपना सेटअप और ये जल्दी आ दिया हीटर क्योंकि बहुत डर लग रही है. आपको नहीं लग रही है? इसको नहीं लग रही है, बहुत डर लग रही है. मैं तो ओके नो इश्यूज, हम ही देते हैं खाना. ये बनती रहेगी. चावल कम तो नहीं हो जाएंगे यार? तो गाइस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी खाइए अपना खाना. हम फीडबैक तो देना ही है ना, तो वो फीडबैक में तो देना पड़ेगा. कौन धुलेगा? तुम. तुम्हारे ससुर जी धुलेंगे? ऐसे नहीं बोल सकते. तुम्हारे ससुर जी मेरे पापा की आएगी बात. नमक कम हो रहा है? लेके आ जाओ. हाँ हो सकता है, मैंने पानी बढ़ाया था तो. लेके आ जाओ. दो इंसानों का खाना तो बना ही लेती हूँ मैं. शिट, मैंने तो वीडियो ऑन ही नहीं करा था. खाना खाते मुझे दवाई दे रहा था, मुझे इसका वीडियो शूट करना था ताकि आप लोग बोलो ओह ही सो केयरिंग. बट पानी दो, वीडियो ऑन करना ही भूल कर दवाई खा गई मैं. दोबारा खाऊं क्या? चलो एक प्रैंक करते हैं अंकित के साथ. सो गाइज आप लोग चाहते थे कि हम दोनों का कोई वीडियो आए, तो हम अभी जस्ट शूट करने जा रहे हैं एक वीडियो यूट्यूब के लिए, क्योंकि सब लोग लगे रहते थे कि जीजू के साथ वीडियोस बनाओ, जीजू के साथ वीडियोस बनाओ. एंड मुझे बनाना भी चाहिए क्योंकि कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगी, है ना. तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम पोस्ट कर लें. तो अभी हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं, Q&A सेशन विद मॉम तो हो गया, विद मोनिका भी हो गया, विद फियांसे भी तो होना चाहिए ना. आप लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि इसको मेरे बारे में कितनी सारी चीज़ें पता है. तो मैं इससे क्वेश्चन करूँगी, सॉरी इनसे क्वेश्चंस करूँगी, और ये आंसर देंगे कि मतलब लाइक माय डिसलाइक्स एंड माय लाइक्स, इनके बारे में क्वेश्चंस करूँगी. अगर इन्होंने सही आंसर दिया तो इनको पॉइंट मिलेगा, एंड अगर इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया तो मैं इनके हाथ पैर पे वैक्स करूँगी. क्या करूँगी? वैक्स. नहीं करना पड़ेगा. मैंने क्या बोला था? गाइस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने और अंकित ने. अगर सही आंसर दिया तो आपको पॉइंट मिलेगा, और रॉन्ग आंसर दिया तो मैं इनके हाथ पैर को वैक्स करूंगी. नहीं नहीं वैक्स नहीं, वैक्स नहीं, वैक्स की बात नहीं हुई थी. तुमने बोला था कि अगर जो हारेगा तो उसके पीछे डुक्का पड़ेगा. नहीं डुक्का उक्का तो बहुत आम चीज हो गई है गाइस. आप लोगों को ज्यादा मजा तब आएगा ना अगर वैक्सिंग होगी. ज्यादा ज्यादा नहीं, मतलब मैं पूरे पूरे हाथों मैं पूरे पूरे हाथों पे नहीं लगाऊंगी, जैसे मैं थोड़ा इतना पे लगाऊंगी बस, फिर इसको ही खींचूंगी, दैट्स इट. ठीक है, पू बताइए. ये पू ने यस कहा है, तो हम लोग अभी वीडियो बनाएंगे. तो मैं थोड़ा फेस वॉश कर लेती हूँ क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, एंड मैं फेस वॉश करने के बाद अंकित के साथ वीडियो शूट करती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट स्टोरी सॉरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं अंकु और मेरा Q&A सेशन, और पू का भी Q&A सेशन. सो बी रेडी. और बाकी इस वाले व्लॉग के लिए दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग. लाइक शेयर, दिस इज इट फॉर द टुडेज व्लॉग. अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, मेरा चिकन बनाया हुआ पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मेरे पहुंचाने से पहले पहुंच जाए. सो बाय कर दो. बाय. पुणे भी बाय करते. बाय बाय.